नवी मुंबई के विकास में अपना अहम योगदान देने वाले ज्येष्ठ नागरिकों की तरफ अपनी आत्मीयता की भावना के साथ ऐरोली के विधायक गणेश नाइक के नेतृत्व में नवी मुंबई भारतीय जनता पार्टी और गणेश नाइक चैरिटेबल ट्रस्ट के सहयोग से वाशी में ज्येष्ठ नागरिकों के लिए ज्येष्ठ नागरिक सम्मान और छतरी वितरण कार्यक्रम का आयोजन वाशी सेक्टर 14 स्थित एंकर वाला स्कूल में किया गया, जहां इस कार्यक्रम में प्रमुख अतिथि के तौर पर मौजूद थे ऐरोली के विधायक गणेश नाइक। साथ ही उपस्थित थे पूर्व महापौर सागर नाइक, नवी मुंबई भारतीय जनता पार्टी जिला महामंत्री शशिकांत राउत, पूर्व नगर सेवक प्रकाश मोरे, प्रभाकर भोयर, भाजपा वाशी मंडल अध्यक्ष विजय वालुंज, समाज सेवक पुरुषोत्तम भोयर, पूर्व नगर सेविका शिल्पा मोरे, उषा भोयर, अंजलि वालुंज, समाज सेविका शीतल भोयर और भारतीय जनता पार्टी के असंख्य पदाधिकारी व कार्यकर्ता। इस दौरान बेहद पारिवारिक माहौल में गणेश नाइक के हाथों ज्येष्ठ नागरिकों का सम्मान कर उन्हें छतरियों का वितरण कर नवी मुंबई के विकास में उनके योगदान को उन्होंने सराहा और दशकों से नाइक परिवार पर विश्वास कर शहर की प्रगति में साथ देने के लिए उनका सम्मान कर अपनी कृतज्ञता व्यक्त की। बता दें कि गणेश नाइक थाने के सबसे दिग्गज और वरिष्ठ नेता माने जाते हैं, जिन्होंने नवी मुंबई का विकास शून्य से 21वीं सदी के शहर के तौर पर बदलते देखा है। गणेश नाइक का मानना है कि तब अगर जनता का साथ, ताकत और विश्वास ना होती तो उनके विजन के तहत नवी मुंबई महानगर पालिका के माध्यम से नवी मुंबई शहर का विकास मुमकिन ना हो पाता। जिस नागरिक विरुंगला केंद्र हो, NMMT में मुफ्त बस प्रवास की सुविधा हो या विरुंगला के लिए कई योजनाओं को अमल में लाकर उन्होंने जिस नागरिकों के प्रति अपने दायित्वों को हमेशा निभाया है, यही कारण है कि बड़ी संख्या में मौजूद जिस नागरिकों ने अपना आपार स्नेह इस कार्यक्रम के माध्यम से गणेश नाइक का सम्मान कर अपना समर्थन दिखाया। इस पल से भावुक गणेश नाइक ने सभी ज्येष्ठ नागरिकों को संबोधित करते हुए कहा कि विकास और सुसंस्कारी शहर के तौर पर नवी मुंबई को पहचान दिलवाने के लिए शहर के ज्येष्ठ नागरिकों का योगदान मील के पत्थर के समान है। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि नवी मुंबई को आकार देने का काम नवी मुंबई की जनता ने किया है, ऐसे में यह सामाजिक उपक्रम शहर के सभी ज्येष्ठ नागरिकों को चिंता मुक्त रखने और उनसे सुसंवाद साधने का एक औचित्य है। 1990 साली पहिल्यांदा मैं आमदार झालो, 90 आणि ही 24 म्हणजे जवळजवळ 34 वर्ष नवी मुंबईतल्या जनतेनं लोकप्रतिनिधी म्हणून माझ्यावर प्रेम केलं। त्याच्यानंतर महानगरपालिका 95 ते 2020 या सर्व सामाजिक कार्याचा राजकारणाचा मूर्त काढणारे आणि त्याला खऱ्या अर्थानं आकार देणारे नवी मुंबई जनता यास माणुसकी धर्म पाळून या सर्व जनतेने धर्माच्या पलीकडे जातीच्या भाषेच्या पलीकडे जाऊन आपल्यावर प्रेम केलं आणि त्या लोकांना कुठेतरी चिंतामुक्त करावं म्हणून त्यांच्याशी सुसंवाद करावं म्हणून मी हा प्रयोग सुरू केलेला आहे आणि त्याला फार मोठ्या प्रमाणात यश लागतं, लोकांना आनंद वाटतो। हे छत्री वाटणं हे निमित्त आहे, शाल हे निमित्त आहे, परंतु त्या माध्यमातून दादाकडे जायला मिळते, दादाच्या बरोबर हात मिळायला मिळतो आणि कुठेतरी आपल्या जीवनातला जो एक टेन्शन तो दूर होते अशा लोकांना, लोक मला बोलले की तुम्हाला भेटल्यावर टेन्शन दूर होतं, तुम्हाला सुद्धा लोक बोलत असते ऐकला का, शेवटी जगात काय सगळ्यांना या जगातून जायचं म्हणजे सगळ्या लोकांना निर्भय बनवणं, सगळ्यांना आनंदाने जीवन जगण्याचा मार्ग मिळण्याकरता प्रयत्न करणं हा त्याच्यामध्ये उद्देश आहे। वही उन्होंने आगे कहा कि सिर्फ जनता जनार्दन के स्नेह से 15 वर्ष थाने और पालघर का पालक मंत्री बनने का उन्हें मौका मिला और नवी मुंबई शहर में 25 वर्ष सत्ता पे काबिज होने का मौका। इसलिए उन्होंने कहा कि जनता के इस विश्वास का कवच ऐसे ही टिका रहेगा, इसके लिए वे कटिबद्ध रहेंगे। अतः राजकारणामध्ये म्हणजे या ठाणे जिल्ह्यामध्ये माझे एवढे सीनियर राजकारणी कोणी नाही, काय बोलतो मी जबाबदारीने बोलतो, म्हणजे ठाणे पालघर ह्या दोन्ही एकत्र असलेल्या जिल्ह्याचा मी 15 वर्ष पालकमंत्री होतो, इतका 15 वर्ष पालकमंत्री ह्या ठाणे जिल्ह्याचा आणि पालघर इन्क्लुडिंग कोणी झालेला नाही,
25 वर्ष महापालिकेची सत्ता एका माणसाच्या विचारात सरशी दे ही भारतामध्ये कोणाला मिळाली? हे सगळं गोरगरिबांनी दिलेलं प्रेम आहे आणि लोकांच्या प्रेमाची शक्ती ही आपली अगाध कवच आहे. ब्युरो रिपोर्ट, नवी मुंबई नेटवर्क.